हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते कि आने वाले एपिसोड की, तो दिखाया जाएगा कि काशवी का बहुत सारा ब्लड है वो बह चुका होगा, जिसकी वजह से डॉक्टर उसके लिए और ब्लड लाने की मांग करेंगे। ब्लड बैंक में उसके मैच का ब्लड ग्रुप मिलेगा नहीं, इसीलिए वो दौड़ी जाएगी यहाँ पर सम्राट के पास और उससे बातचीत करेगी ब्लड देने के लिए। लेकिन नयनतारा को देखकर सम्राट को इतनी नफरत है कि वो उससे कहेगा कि तुम्हारी बेटी जिए या मरे, इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों उसे अपना ब्लड दूँ। तभी यहाँ पर मजबूरन नयनतारा को ये रिवील करना होगा कि काशवी किसी और की नहीं बल्कि उसी की बेटी है। इधर नित्या अर्जुन को वार्न कर रही होती है कि तुमने महिमा की लाइफस्टाइल देखी है, उसको मेंटेन करने के लिए या तुम्हारी जॉब काम नहीं आएगी, या तो तुम्हें बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या फिर तुम उसको समझा दो या उसे भूल जाओ। यहाँ पर अर्जुन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसको मेंटेन करने के लिए बिजनेसमैन भी बन जाऊँगा। इधर काशवी अपनी दोस्त के साथ कॉलेज में जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि सबको स्कॉलरशिप सम्राट ने दी है। और नैन यहाँ पर सम्राट के बारे में बुराई करती है और सबको बताती है कि हमारी शॉप में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट ही था। इधर महिमा प्लान बना रही होती है कि वो कैसे प्रद्युम्न को ट्रैप करेगी, और तभी नयनतारा के साथ में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बिहेव करने के चक्कर में मीडिया सम्राट को बहुत ही अच्छे से कैप्चर करेगी और उसकी रियल इमेज सबको दिखाएगी। और ये सब कुछ काशवी देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होगी कि आखिर कैसे यहाँ पर नयनतारा के साथ में सम्राट इतना रूड बिहेव कर रहा है। अब इसके बाद देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कि आखिर आने वाले एपिसोड में इन दोनों की बॉन्डिंग का क्या होता है। वेल, ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।